निभाए कुछ नहीं निभाए, ऐसे अखिलेश ने कुछ निभाए कुछ नहीं निभाए, लेकिन अब कांग्रेस का गठबंधन है, लोगों के बीच में खुशी का माहौल है। 400 इसलिए है कि उनके संग है, मुस्लिम एकदम मुस्लिम मिल नहीं रहा था, आज मुस्लिम सारा उनके साथ। बेरोजगारी का बेरोजगारी, लोगों को रोजगार नहीं है, और जहाँ तक सवाल है बेरोजगारी में, आज युवा जो है ग्रेजुएशन होने के बाद भी आज वो पैदल घूम रहे हैं। न्यूज वर्ल्ड इंडिया आप देख रहे हैं, लोकसभा चुनाव 2024 अपने दूसरे चरण को कंप्लीट करके तीसरे चरण में पहुंच चुका है। आइए जानते हैं जनता का क्या राय है इसको लेकर। आपका नाम? मेरा नाम शाहरुख खान। आप इस बार लोकसभा 2024 के चुनाव में किसको वोट कर रहे हैं? मैं भाजपा को। भाजपा किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच जा रहे हैं? हम जो मोदी जी की योजना है, और आयुष्मान कार्ड, घर के लिए 2.5 लाख रुपए मिल रहे हैं लोगों को, और भी योजना है, ये योजनाएं धरातल तक लोगों पर पहुंच रही हैं? बिल्कुल पहुंच रही हैं। और भी कुछ योजनाओं को आप बता सकते हैं? कौन और योजना है? और अभी 4 लाख घर और बनाने की मोदी जी ने भाजपा को लेकर ठाकुर समुदाय और पंडित समुदाय पहले ही नाराज चल रहे हैं, कहीं ना कहीं ये भाजपा का समीकरण बरेली में बिगाड़ तो नहीं देंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, जैसे पार्टी का माहौल खराब करने के लिए है, विपक्ष कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, हमारे यहाँ सब लोग साथ में। वो चीज तो जब जाहिर हो गई है, विपक्ष का नहीं है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। आपका नाम? मैं पाकिजा खान, कांग्रेस में जिला महासचिव हूँ। और कांग्रेस को लेकर आप क्या? कांग्रेस को लेके इस बार सब में कांग्रेस की लहर दिख रही है, लोगों के बीच खुशी दिख रही है। अखिलेश यादव के साथ आ रहे हैं, क्या आप बता सकती हैं जोड़ी अब कोई नया कमाल खिलाएगी? बिल्कुल खिलाएगी नया गुल। कहीं ना कहीं धरातल पर तो देखा जा रहा है जोड़ी की जनता स्वीकार नहीं कर रही है, क्योंकि पहले भी उन्होंने काफी वादे किए, फिर उसके बाद ऐसा जैसे पहले के अखिलेश ने जो वादे किए हैं वो नहीं निभाए हैं, कुछ निभाए भी हैं, जैसे कि मोदी जी ने कुछ निभाए कुछ नहीं निभाए, ऐसे ही अखिलेश ने कुछ निभाए कुछ नहीं निभाए, लेकिन अब कांग्रेस का गठबंधन है, लोगों के बीच में खुशी का माहौल है इस बात को, और जनता भी खुश है। आप किसी से भी इस बार मालूम करके देखें कि हर इंसान का यही है कि वोट पंजे को ही देंगे हम। किन मुद्दों को लेकर कांग्रेस जा रही है? कांग्रेस इन्हीं मुद्दों को लेके जा रही है, जिस तरह से बीजेपी हर बार के वायदे, लोगों को नौकरी देने के वायदे करे और लोगों को पेंशन देने के वादे करे, लेकिन कुछ को पैसा आता है, अब हर बार में ये कह देते हैं, लेकिन पैसा आया नहीं आया, कभी कहते हैं खाते में मैसेज आता है, पता ये चला खाते में मैसेज। कांग्रेस की विचारधारा से जुड़ी हुई है? मैं कांग्रेस में अब मुझे तीसरी साल हो गई लेकिन हाँ, हमारा यहाँ का से लेके हमारा पूरा परिवार हमेशा कांग्रेस के साथ था और अभी भी कांग्रेस के साथ है, और इस बार कांग्रेस की लहर है, गठबंधन है, मिलके जोर शोर से कांग्रेस की सरकार जीतेगी। सवाल पे मैं एक सवाल कहूंगा, जैसे मैडम ने अभी कहा कि पैसे मोदी जी कहते हैं आते हैं आया नहीं है, जिसका भी जनधन खाता खुला हुआ है उससे पूछ लीजिए, उसको 500 रुपया हर महीने। ये मोदी ने फ्री के अनाज की जो स्कीम निकाली हुई है, इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? ये तो अच्छा है, गरीबों को अनाज मिलता है, कहीं ना कहीं आदमी को नाकारा नहीं बनाता, नहीं बनाता। यही रेवड़ी अगर दूसरा दिल्ली के अरविंद केजरीवाल बांटते हैं तो उसको लेके केजरीवाल ने बिजली फ्री करी, बिल्कुल पानी बिल्कुल फ्री करा, मोदी जी ने जो है अनाज फ्री करा, जिसके लिए हम लोग मेहनत करता, हर आदमी रोटी चाहता, जिस लोग गरीब जो भूखे सोते थे आज भूखे नहीं सोते, उनको अनाज मिलता है। आपका क्या नाम? भैया मेरा नाम मोनू खान है, मैं सीवीगंज मंडल उपाध्यक्ष हूँ अल्पसंख्यक मोर्चा बीजेपी से। ठीक है, लोकसभा चुनाव 2024 के लिए आप किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं? सर हमारी जो पार्टी जितना हमारी पार्टी कर रही है साथ, किसी पार्टी ने नहीं करा, क्यों हमारी पार्टी जैसे हमारी पार्टी ने जो बीमार लोग अपना इलाज नहीं करा पाते थे उनके लिए 5 लाख का इलाज फ्री करा है मोदी जी ने। महंगाई चरम पे है, देखिए सर युवा बेरोजगार है, सिलेंडर 1000 के पार है, मोदी जी कह रहे हैं अब की बार 400 कैसे? 400 इसलिए है कि उनके संग है, मुस्लिम एकदम मुस्लिम मिल नहीं रहा था, आज मुस्लिम सारा उनके साथ है, जो आदमी मुस्लिम के लिए उन्होंने कह रखा था कि हिंदू मुस्लिम जो लड़ाई जो करवाते थे आज के टाइम में वो सब खत्म हो गई, मुस्लिम जितना भी है सब समझ गया इन लोगों की नीति, ये कांग्रेस वाले जो है हिंदू मुस्लिम करके आगे बढ़ाने चाहते हैं, लेकिन बीजेपी ने सबका कहना है कांग्रेस और अदर पार्टी को कहना बीजेपी नफरत की राजनीति करती,
नहीं ऐसा कुछ नहीं साहब, मैं खुद मुस्लिम हूँ। अगर नफरत की राजनीति करता तो आज मुझे ये पद दे के और मुझे यहाँ नहीं छोड़ा गया होता। और अपने मोहल्ले में जितना भी मैं घूमता हूँ सबको यही कहता हूँ, क्योंकि इनकी जितनी भी नीति है सब इनकी फेल हो गई श्री मोदी योगी के आने से। और अब की बार ये लोग आएंगे और इससे ज्यादा अच्छा करेंगे, सबकी उम्मीद। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी हर मन से कह रही है लोकतंत्र खतरे में है। लोकतंतर कैसे खतरे, कहाँ से खतरे में है? इस वक्त तो जोर शोर से तंत्र चल लिया, कहाँ से खतरे? अरे मान लीजिए अभी एक बार आप ही की पार्टी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का कहना है लोकतंत्र खतरे में है, तो कहाँ से है खतरे में? आपसे पूछ रहा हूँ, मैं आपसे क्वेश्चन, हमें तो नहीं लगा खतरे में। आप ये देख लीजिए, जब इनकी पार्टी मानने के लिए तैयार है तो हम कैसे कह रहे हैं? हमारी पार्टी आप ही के पास है। अभी सुनो, अभी ये कह रहे थे कि मतलब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संविधान खतरे में, एक महीने में राशन, एक महीने का राशन जिंदगी पूरे महीने चल जाएगा। वो बाजरा दे रहे हैं, वो मुर्गो के खाने का बाजरा डालवा रहे हैं, क्या इससे हमारी जिंदगी कट जाएगी? योगी जी के राज में, मोदी जी के राज में मिल तो रहा है, कांग्रेस के राज में तो मिलता ही नहीं था। कांग्रेस के राज में इतनी महंगाई भी नहीं थी। हम जनता के आम मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं, जो जनता जन साधारण के मुद्दे हैं, महंगाई, उनकी जोड़ी बिल्कुल, जनता उनकी जोड़ी का समर्थन कर रही है, तन मन धन से उनके साथ है और अब किसे बदलाव की नियत बना ली है बरेली की जनता और देश की जनता ने, और इस बार बदलाव आएगा। मैं डॉक्टर सरताज हुसैन, मैं पार्टी से नहीं, एक सच्चा नागरिक हूं देश का। और इस बार 2024 लोकसभा के चुनाव में आप किन मुद्दों को लेकर वोट कर रहे हैं? देखिए मुद्दे तो सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो बेरोजगारी का, बेरोजगारी, लोगों को रोजगार नहीं है। और जहाँ तक सवाल है बेरोजगारी में, आज युवा जो है ग्रेजुएशन होने के बाद भी आज वो पैदल घूम रहे हैं। अभी एक सर्विस का माहौल आया था जो अभी आर्मी के लिए टेस्ट हुआ था, उसमें करीब 80-25 करोड़ के करीब लोगों ने एग्जाम दिया था, लेकिन वो पेपर आउट हो गया, कितने गरीबों का पैसा उसमें लॉस। इनका कहना है कहीं ना कहीं पेपर आउट हो रहा है, बीजेपी की सरकार में लगातार पेपर आउट हो रहे हैं, रोजगार में युवा बेरोजगार है, इस दिशा में नहीं। वैसे जो पेपर लीक हुए सबके ऊपर कार्रवाई हुई है, ऐसा नहीं है। नहीं युवा मेहनत करके भाई साहब, आप मेरी बात सुनिए, आप जो पहले के लोग थे पेपर दे के पैसे दे के पास हो जाया करते, अब वो धंधेबाजी नहीं रही, लीक हुआ उसके ऊपर उन्होंने एक्शन लिया और उन्हें कार्रवाई करी, और जो वो बंदे जेल में है लगातार 8 बजे तो यही लगातार 8 बार से सांसद रहे माननीय संतोष कुमार गंगवार जी, जी सत्ता पर काबिज रहे बरेली की जी, उन्होंने कहीं ना कहीं युवाओं को पलायन के लिए मजदूर किया, मजदूर किया, सारे रोजगार बरेली से बाहर चले गए। नहीं ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है साहब, कोई भी चीज है अगर आप एक पौधा लगाएंगे जब वो फल नहीं देगा तो उसका क्या करा जाएगा, ठीक है? उन्होंने जितनी आपकी जो सरकार आएगी, जो आपका परसा खेड़ा में जो फैक्ट्री है वहाँ पे सबके के लिए वो करा तो फैक्ट्री बंद हो गई। नहीं इसके अभी इन लोगों ने प्लान बनाया है, जब आप देखिए हाईवे निकले हैं, नए विजन को लेकर जनता के बीच में नहीं है, फैक्ट्री लगेंगी साहब, कैसी बातें कर दी, बातें दी है। बरेली से आपके सांसद संतोष गंगवार का टिकट कैंसिल होना कहीं ना कहीं चीज पे प्रभाव डाल रहा है। नहीं देखिए ऐसा है, हर बार पार्टी जो है किसी ना किसी को आगे बढ़ाती है, 8 बार से रहे लेकिन अब दूसरा चेहरा लाया जाए जिससे वो आगे और काम करे, ऐसा नहीं है। संतोष मान्य संतोष गंगवार जी जो पहले 7-8 बार रहे तो किस वजह से रहे, उनके संग पब्लिक है और रहेगी। देखिए जनाब, बरेली आज से 10-15 साल पहले एक इंडस्ट्रियल एरिया कहलाता था और एशिया में इसका अलग मुकाम था, सबसे टॉप की यहाँ की इंडस्ट्रियाँ थी, लेकिन जब से संतोष जी यहाँ पर आए थे उसके बाद जो ये ठप बंद होने का सिलसिला शुरू हुआ, आज सारी फैक्ट्रियां बंद है, कितना रोजगार लोगों को मिलता था, कितने बेरोजगार होगा उस फैक्ट्री के, लेकिन है क्या, ये तो फैक्ट्री का हुआ है, रोजगार के फैक्ट्री बनाना चाहिए या और खत्म करना चाहिए, शुगर फैक्ट्रियां थी वो खत्म हो गई, तो ये रोजगार को तो खत्म हो रहा है ना। बरेली से बेरोजगार के मुद्दे को लेकर, रोजगार के मुद्दे को लेकर कहीं ना कहीं निशाना संतोष गंगवार पर साधा जाता है, बीजेपी ने इस बार संतोष गंगवार का टिकट काट के छत्रपाल गंगवार को मैदान में उतारा है। जी जी वो तो खैर उनके अंदरूनी क्या मामले हैं वो पार्टी का मामला है, लेकिन जहाँ पर जो बात आती है कि 5 किलो राशन दिया जा रहा है, तो कांग्रेस के दौर में भी राशन दिया जाता, उससे पहले भी दिया जाता, लेकिन ये राशन देने से बेरोजगारी दूर नहीं होगी। हिटलर भी देता था खाने को, हिटलर तो उसका ये कहना था कि मैंने जो राजनीति करी है वो केवल मैं जो है दाना डालता था और लोग खिसते चले जाते थे, जब मैं रोक देता था तो बस में मेरे आ जाते थे। आपका कहना है मोदी हिटलर शाही से शासन, मैं हिटलर की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि खाने जो आज मुद्दा उठ रहा है
ये राशन दे के हम लोग उस पर डिपेंड। आज सच्चर कमेटी की रिपोर्ट है, मुसलमानों की क्या पोजिशन आज बताइए। आज वो पोजिशन है कि आज दलित पिछड़ों से भी बदतर पोजिशन है। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट पर मुसलमानों की क्या पोजिशन है, इसमें आपका जवाब? मुसलमानों का एक अलग अल्पसंख्या मोर्चा बीजेपी ने बनाया है, मुसलमान का अल्पसंख्या मोर्चा बनाया है पार्टी ने। आपका कहना बीजेपी सरकार में मुसलमान डर के मारे बोल ही नहीं सकता, बिल्कुल नहीं बोल सकता। मुसलमान आज दिल खोल के बोल सकता है और दिल खोल के बात कर सकता है। मोनू खान नाम है मेरा। शाहरुख खान। आपका शुभ नाम? अब्दुल सलीम। मुसलमान है लेकिन आज के टाइम में चले जाइए आप, जरा सा बच्चा किले के पार होने के बाद में किले के बाद आवाज नहीं उठा सकता क्योंकि उसे डंडा दिखाई देता है, ठीक है? डंडे की वजह से वो बोल नहीं सकता। हर इंसान कहता है कि बीजेपी की सरकार में अगर हमने कुछ कहा तो हमारे पास नहीं, अगर आप गलत करोगे तो डंडा है, लेकिन बाकी पार्टी लियो मुसलमानों के लिए खड़ी है, 24 घंटे खड़ी है साहब, ठीक है? जो भी आदमी ये कहता है कि हम आप तो भाजपा की सारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। हाँ, हमारे हमें नहीं मिल रहा है, लेकिन जो हमारे मैं इसमें छमछम हूँ कि नहीं ले सकता, मुझे मालूम है क्योंकि मैं लोगों का काम करा रहा हूँ, लोगों के पेंशन बनवाता हूँ, लोगों के उसका इनका आयुष्मान कार्ड बनवाए मैंने, मैं अपने मोहल्ले में घर जो लिए हैं उनके फॉर्म भरवाए हैं, मैं खुद करवाता हूँ। अब की बार मोदी जी कह रहे हैं 400 पार, आपका क्या मानना? नहीं, बिल्कुल 400 पार होंगे, 400 पार होंगे बिल्कुल। आप क्या कोई भी बने, ये तो ना, ये प्रधानमंत्री कोई भी बने, मेन मकसद मेन जो है काम होना चाहिए कि रोजगारी दूर होना चाहिए, बेरोजगारी दूर होना चाहिए, लोगों को रोजगार मिलना चाहिए, बिजली पानी सड़क ये व्यवस्था है, और सबसे बड़ा मुद्दा शिक्षा का है। अगर शिक्षा नहीं है तो सब कुछ बेकार है, क्योंकि शिक्षा भी अभी तक कोई बात नहीं कर रहा। आपका नाम? अब्दुल सलीम। अब्दुल सलीम, हमने सुना आपके यहाँ सभासद रहे हैं आप। जी, मैं दो बार से विकास तो बहुत ही पिछड़ा है, पहले तो आपकी सरकार। जी बिल्कुल, जब हमारी सरकार रही ये सड़क बनी, दो बार से कार्यकाल नगर निगम बीजेपी के सरकार में रही, वो समाजवादी कार्यकाल में गुंडागर्दी ज्यादा थी। ये कहते हैं ना गुंडागर्दी आज है, आज की डेट में कहां से गुंडागर्दी खत्म हुई? कोई नहीं, जीरो टॉलरेंस रहेगी, जीरो टॉलरेंस की बात आई सापा में थी, गुंडागर्दी थी, ऐसा नहीं है। तो अब क्या नई सापा है? नहीं नहीं, सापा आप देखिए क्या हालत है सापा का, आज टूटे हुए हैं सब लोग, छोड़ के जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी की सरकार कहना है सपा में गुंडाई खुल के रही, आप इस विषय पे क्या कहना है? इनका कहना है समाजवादी पे, ये कहना है ना, साबित कहीं नहीं है। जो गुंडाई, जो गुंडागर्दी की बात, जो गुंडा जिस एरिया, गुंडा हमेशा जो था वो आज भी है, और जो शरीफ था वो आज भी, कहीं भी शरीफ कभी गुंडा नहीं बना, और गुंडा किसी भी कार्यकाल में शरीफ नहीं बनता, वो उसका अपना नेचर होता है। कार्यकाल जितना भी रहता है, ना शरीफ को कोई सरकार गुंडा बनाती है, ना सरकार गुंडे को शरीफ बना रही है, हर आदमी अपने मनसा से होता है। गुंडाई के ऊपर लगाम लगाना जरूरी होती, वो लगाम लगाई गई थी जब समाजवादी सरकार थी, तो जनता के मुद्दों को लेकर वो सामने आई, जनता ने उसे दिया, जनता उसी के मुद्दे जो है वही आगे चले, उसने समाजवादी पेंशन दी, उसने लैपटॉप दिए, नगर निगम की अगर जो आप बात कर रहे हैं इस इलाके की, तो समाजवादी के कार्यकाल में ये सड़कें बनी थी, और 10 साल से सड़कें नहीं बनी है, लगातार मैं इसके लिए प्रयासरत हूँ, लेकिन ये सड़कें दोबारा नहीं बन पा रही, क्योंकि 10 साल से नगर निगम में, हमारे यहाँ बरेली नगर निगम में भाजपा सरकार काबिज है, और ठेकेदारों का पेमेंट ना होने की वजह से वहाँ पर कोई काम नहीं है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार सुरक्षा को लेकर कहीं ना कहीं अपनी पीठ थपथपा रही है, इस विषय में आपका क्या कहना चाहेंगे? शिक्षा का स्तर सबके सामने है, ग्रेजुएट बंदों को अगर लेंगे तो बेरोजगारी का स्तर बढ़ चुका है, पूरे देश के अंदर बेरोजगार पहले से ज्यादा हो गए। बरेली की बात करें तो यहाँ शिक्षित होने के बाद पलायन कर रहा है, बाहर जाने पे नौबत आ गई, क्योंकि उसको अब बरेली के अंदर कोई नौकरी नहीं है, कोई कारोबार नहीं है, वो बरेली छोड़कर जा रहा है, अपने परिवार को लेके जा रहा है, मजदूरी कर रहा है ग्रेजुएट, ऑटो चला रहा है ग्रेजुएट, ये शिक्षा का स्तर हो गया है सरकार के। मैं एक जवाब देना चाहूंगा, इस बार पहली बार 70 साल में पहली बार 51 बच्चे मुस्लिम IPS की तैयारी कर, IPS पास हो गए। बरेली की बात करें तो यहाँ शिक्षित होने के बाद पलायन कर रहा है, बाहर जाने पे नौबत आ गई, क्योंकि उसको अब बरेली के अंदर कोई नौकरी नहीं है, कोई कारोबार नहीं है, वो बरेली छोड़कर जा रहा है, अपने परिवार को लेके जा रहा है, मजदूरी कर रहा है ग्रेजुएट, ऑटो चला रहा है ग्रेजुएट, ये शिक्षा का स्तर हो गया है सरकार के। मैं एक जवाब देना चाहूंगा, इस बार पहली बार 70 साल में पहली बार 51 बच्चे मुस्लिम
आईपीएस की तैयारी कर, आईपीएस आपका कहना है मुसलमान पर अत्याचार हो रहा है, ये कह रहे हैं 51 बच्चे सरकार में ऐसा हुआ है कि मुस्लिम लेडीज है ऑटो रिक्शा चला रही है क्योंकि और कुछ तो आता नहीं है, वो साहस के रिक्शा पकड़ लेता है कहीं ना कहीं ना तो इससे पहले भी नहीं माने, पहले भी तो मुस्लिम बच्चे पढ़ते थे, मुस्लिम बच्चे पहले ज्यादा ही पहले ही ज्यादा क्वालिटी ही तो वही नहीं थी, नए दौर के बताइए क्या हमारी पार्टी ने हमेशा बच्चे मुसलमान का साथ दिया है, आज 51 लोगों का संख्या पैसा दे दिया, कौन सा पैसा, कौन सी पैसा दिया, ऐसा नहीं कौन सी पार्टी ऐसा नहीं दे सकती जो 51 बच्चों को पढ़ाई दी है, पढ़ाई दे नहीं सकते वो अपनी भाई साहब आईएएस बनने सरकार नहीं बना सकती, सरकार नहीं बना सकती किसी को आईएएस, सरकार आईएएस नहीं बना सकती। न्यूज ऑन इंडिया की तरफ से किसका कुर्सी था बरेली की जनता का क्या है वो आप देख चुके हैं, बरेली की जनता पूर्ण रूप से अपना मन बना चुकी है।